अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फार्म डी। और आज हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड एक टॉपिक, दैट इज बेसिकली डिस्पेंसिंग टू द इन पेशेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सो जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्पेंसिंग के बारे में, व्हाट इज इन पेशेंट, ठीक है, जो टर्म हम यूज करते हैं, एंड देन द मेथड्स ऑफ डिस्पेंसिंग एंड स्पेशली यूनिट डोज डिस्पेंसिंग को डिस्कस करेंगे, एंड ऑल दोज मेथड्स आर यूज इन डिस्पेंसिंग इन द हॉस्पिटल। उसके अलावा एडवांटेजेस एंड सम अदर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिस्पेंसिंग, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली डिस्पेंसिंग होती क्या है, एंड व्हाट इज डिस्पेंसिंग एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या होती। सो बेसिकली हमारे पास क्या है कि डिस्पेंसिंग क्या होती है, दैट इज बेसिकली फार्मेसी एक्ट एंड कंसिस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ टू और मोर डोजेस फ्रॉम द बल्क ड्रग कंटेनर एंड प्लेसिंग देम इनटू अनदर कंटेनर फॉर सब्सिक्वेंट यूज बाय द पेशेंट, ठीक है। एक बल्क ड्रग से आप एक या दो डोजेस जो है वो निकाल देते हैं टू डिस्पेंस टू द पेशेंट, ठीक है जी। तो ये हो गया डिस्पेंसिंग। सप्लाई डिलीवरी एंड ट्रांजिटरी स्टोरेज, जो है टेम्परेरी स्टोरेज है ड्रग्स की एट द पेशेंट केयर एरियाज लाइक द नर्सिंग स्टेशन में, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर नर्सिंग स्टेशन के ऊपर से डिस्पेंसिंग की जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स है जिनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे। एंड द सप्लायर डिलीवरी एंड ट्रांजिटरी स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एट द पेशेंट केयर एरियाज, दैट इज द नर्सिंग स्टेशन अदर देन द मेन हॉस्पिटल फार्मेसी फॉर सब्सिक्वेंट पेशेंट यूटिलाइजेशन, दैट इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पेशेंट को ड्रग सप्लाई करना, क्योंकि पेशेंट को सेंट्रल से तो नहीं आती, सेंट्रल फार्मेसी से देंगे, वो क्या होगी नर्सिंग स्टेशन पे ऊपर आएगी, जो सेटल फार्मेसीज हर फ्लोर के ऊपर होती है वहां पर होंगी, एंड देन दे आर बींग यूटिलाइज बाय द पेशेंट्स। तो ये होगी मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके बाद एक टर्म यूज होती है मेडिकेशन ऑर्डर, वो प्रिस्क्रिप्शन जो इन पेशेंट्स के लिए होती है उसको हम कहते हैं मेडिकेशन ऑर्डर, ठीक है जी। सो नर्सेज कैरी आउट दीज मेडिकेशन ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन रिक्वायर्ड ड्रग्स फ्रॉम द फार्मेसी, ठीक है। नर्सेज जो होती है मेडिकेशन ऑर्डर जो है वो फार्मेसी पे लेके जाती हैं, एंड देन ये मेडिकेशन वो ले लेती हैं। And the nursing station, the drugs are stored again for continuous use by the patients according to the physician orders, ठीक है जी। The nurse prepares drugs for administration, brings it to the patient, returns to the nursing unit and records this information on the patient's record, ठीक है। जो जो dispense की जा जो जो patient को administer की जाती है उन सब drugs का record भी रखा जाता है, जो कि nurses रखती हैं, जो कि वो patient को administer करके आती है, ठीक है जी। ठीक है, वो ऑटोमेटेड भी हो सकता है, पेपर वर्क भी हो सकता है, बट यू नो ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजीज जो है वो पेशेंट रिकॉर्ड भी जो है वो ऑटोमेटेड हो चुका हुआ है। सो गाइडलाइंस के हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, एक तो ये है कि फार्मासिस्ट मस्ट रिव्यू द प्रिस्क्राइबर्स ओरिजिनल ओरिजिनल ऑर्डर, ठीक है जी, बिफोर इनिशियल डोज, ठीक है जी। फार्मासिस्ट ने रिव्यू करना है। ड्रग्स डिस्पेंस शुड बी रेडी फॉर इंस्ट्रक्शन, सर ड्रग्स मस्ट बी आइडेंटिफिकेशन, ओके जी, ये भी हो गया। उसकी बात यह है कि ड्रग्स मस्ट बी स्टोर एक्सेसिबल टू द पेशेंट, ठीक है। एक्सेस होनी चाहिए नर्सेज की या फार्मासिस्ट की, जो भी ड्रग्स मस्ट बी स्टोर जो स्टोर की जा रही है, ठीक है जी। तो नर्सेज को भी इसको बताना चाहिए, फार्मासिस्ट को भी बताना चाहिए, या जिसको नॉमिनेट किया हुआ, जिस एक पर्सन को डेजिग्नेट किया गया है उस काम के लिए। सो द इन हाउस पैकेजिंग मस्ट परमिट एंड फैसिलिटेट ड्रग यूज टू इंश्योर स्टेबिलिटी, ठीक है जी। इन हाउस पैकेजिंग भी जो है वो फैसिलिटेट द ड्रग यूज टू इंश्योर स्टेबिलिटी एंड मीट गुड स्टैंडर्ड्स ऑफ GMPs, ठीक है जी, ये हो गया। सो ये तो कुछ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गाइडलाइंस हो गई। देन आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन। सो इट इज बेसिकली अ नर्सिंग एक्ट विच इज द विड्रॉल ऑफ अ सिंगल डोज फ्रॉम अ ड्रग कंटेनर एंड देन टू एडमिनिस्टर टू द पेशेंट ऑन द ऑर्डर स्पेसिफिक, मतलब फिजिशियन के ऑर्डर की बेस के ऊपर, या फिजिशियन ने जो ऑर्डर लिखा है, ठीक है, जो भी उसने मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की है उसको एक ड्रग कंटेनर से लेना, ठीक है, एंड देन उसको पेशेंट को देना, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। और नर्स जो है वो मर्स एडमिनिस्टर ड्रग्स आफ्टर द प्रिस्क्रिप्शन हैज बीन डिस्पेंस्ड बाय अ फार्मासिस्ट, ठीक है। क्या है कि नर्स जो है मर्स उस टाइम करेगी जब एक प्रिस्क्रिप्शन को जो है वो फार्मासिस्ट ने रिव्यू कर लिया होगा, तब नर्स जो है वो ड्रग्स को डिस्पेंस करेगी, एडमिनिस्टर करेगी पेशेंट को। सो नेक्स्ट कम्स द मेथड्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसमें एक इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम है, देन देयर इज अ कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, देन देयर इज अ कंबाइंड इंडिविजुअल ऑर्डर फ्लोर स्टॉक सिस्टम, ठीक है जी। इसमें चार्ज और नॉन चार्ज ड्रग्स आ जाती हैं। इसके बाद आ जाता है एक यूनिट डोज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है जी। सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सो फर्स्ट इज द इंडिविजुअल ड्रग ऑर्डर सिस्टम। सो बेसिकली ये एक इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर सिस्टम है, दिस इज बेसिकली फॉलोड बाय स्मॉल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्योंकि वहाँ पर एग्जैक्ट वजह पेशेंट लोड कम होता है, तो पेशेंट कम होते हैं, ठीक है, कम पेशेंट्स की वजह से दिस इज वन ऑफ द मेथड यूज ना। इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि डायरेक्ट रिव्यू ऑफ मेडिकेशन ऑर्डर बाय प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है, डायरेक्ट रिव्यू हो जाता है। क्लोजर कंट्रोल ऑफ इन्वेंटरी, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है अगर सेटअप छोटा होगा तो वहाँ मेडिकेशंस भी थोड़ी लिमिटेड होंगी, ठीक है। ऑल क्लासेस जो है वो कम होंगी, सिर्फ वो होंगी जो उनके उनके पास पेशेंट्स होंगे या जो उनके उनकी स्पेशलिटी होगी, लाइक आई केयर हॉस्पिटल हो सकता है, कोई कोई जो है वो स्टमक एंड हार्ट डिजीज के लिए हो सकता है, ठीक है, तो इस तरह से।
बेटर इंटरेक्शंस अमंग फार्मासिस्ट डॉक्टर एंड पेशेंट्स, ठीक है जी। तो इंटरेक्शन जो है वो ऑब्वियसली कम लोग होंगे तो ज़्यादा बेटर इंटरेक्शन होगा। कार्डियोलॉजी को हॉस्पिटल है या किडनी सेंटर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आई केयर हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह ड्रॉबैक्स ये हैं कि डिले इन ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड मेडिकेशन, ठीक है। डिले हो सकता है रिक्वायर्ड मेडिकेशन लेने में, ठीक है। हो सकता है वो अवेलेबल ना हो, ठीक है। हो सकता है उसका स्टॉक खत्म हो गया होगा इस टाइम। इंक्रीज कॉस्ट टू द पेशेंट, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ऐसी स्पेशलिटी वाले हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी थोड़ी कॉस्ट भी ज्यादा होती है, ठीक है जी। तो दैट इज बेसिकली अ डीमेरिट, उसका एक नुकसान है। देन कम्स अ फ्लोर स्टॉक सिस्टम, दैट इज बेसिकली अ ट्रेडिशनल सिस्टम, इन्वॉल्व्स अ सेपरेट स्टोरेज फैसिलिटी ऑन ईच फ्लोर, ठीक है जी। नर्सिंग हैज लिमिटेड 10 to 100 doses फ्रॉम द फॉर पेशेंट डिस्पेंसिंग विद द नर्सिंग स्टाफ, ठीक है जी। तो 10 to 100 doses होते हैं। चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स मेडिकेशंस होती हैं स्टॉक टू द नर्सिंग स्टेशन, दे आर चार्ज टू द पेशेंट अकाउंट, ठीक है। पेशेंट के अकाउंट से इनको चार्ज किया जाता है आफ्टर बीइंग एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट के अकाउंट से, पेशेंट से उसका बिल लिया जाता है मेडिकेशन, इट मींस दिस, ठीक है। द सिलेक्शन ऑफ द फ्लोर स्टॉक मेडिकेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीएनटीसी, ठीक है। जो सिलेक्शन है ना फ्लोर के, हर फ्लोर पर कौन सी मेडिकेशन होगी, ये पीएनटीसी कमेटी डिसाइड करती है अलॉन्ग विद दैट ऑफ द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ऑब्वियसली हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक बजट बनाना होगा, ठीक है। उन्होंने वो सब मेडिकेशन जो है वो परचेज करनी होगी, तो ऑब्वियसली उनकी और जो पीएनटीसी कमेटी की जो है वो इंटरेक्शन से जो है वो डिसाइड किया जाता है। देन कम्स द नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स, ये बेसिकली क्या है कि ये ड्रग्स जो है वो दीज आर प्लेस इन द नर्सिंग एरिया फॉर द इन पेशेंट केयर, ठीक है जी। बट नॉट चार्ज इन द पेशेंट का, मतलब ये कुछ ऐसी मेडिकेशन होती हैं जो कि नॉर्मली हर पेशेंट को दी जा सकती हैं, ठीक है। मतलब इसमें पैरासिटामोल हो सकती है, इसमें डिक्लोफेनाक हो सकती है, ठीक है। इसमें जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन हो सकती है, इसके अलावा इसमें कुछ एंटी एलर्जी हो सकती है, ठीक है। जो कॉमनली किसी पेशेंट को जरूरत पड़ सकती है, एट नाइट टाइम भी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो वो दैट इज मतलब वो जो है वो किसी भी पेशेंट को दी जा सकती हैं, ठीक है। जो भी हॉस्पिटल में इन पेशेंट केयर में है, हॉस्पिटल में एडमिट है, क्योंकि सॉरी मैं एक चीज बताना भूल गई थी मैं, तो इसमें ये, ठीक है। तो ऐसी जो मेडिकेशंस हैं वो पेशेंट के अकाउंट से चार्ज नहीं की जाती, ठीक है। दीज आर मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट, इनको पेशेंट के बिल में एंटर नहीं किया जाता। इसमें एंटी एलर्जिक्स हो सकती है, डाइजॉक्सिन हो सकती है, नाइट्रोग्लिसरीन हो सकती है, इसके अलावा ड्यूक्लॉक्स वगैरह हो सकती हैं, ठीक है, और हेपरिन इंजेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन पर डे कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल रूम, ये बेसिकली कहते हैं पर डे कॉस्ट, हॉस्पिटल का जो रूम होता है ना उसकी कॉस्ट में इंक्लूड कर दी जाती है, ठीक है। रूम का जो रेंट होता है। द सेलेक्शन ऑफ दीज ड्रग्स इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ प्रिपरेशन, फ्रीक्वेंसी, यूज एंड इफेक्ट ऑफ द हॉस्पिटल बजट, ठीक है जी। तो ये इस पे हॉस्पिटल बजट पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। चार्ज की जा सकती है लेकिन क्या कहें, पर्टिकुलरली चार्ज नहीं की जाती, लेकिन दूसरी वाली जो होती है वो चार्ज की जाती है। डिस्पेंसिंग ऑफ सच ड्रग्स इज डन बाय ड्रग बास्केट मेथड, एक ड्रग बास्केट मेथड यूज किया जिसमें नाइट नर्स होती है वो चेक करती है मेडिकेशन कैबिनेट को कि उसमें जितनी भी मेडिकेशन, जिस तरह के पेशेंट यहाँ पर एडमिट हैं, तो वो जो है वो जो उसको मास्टर लिस्ट फार्मेसी ने प्रोवाइड किया तो उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर मेडिकेशन हैं, ठीक है। रेफ्रिजरेटेड ड्रग्स को भी चेक किया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द मास्टर लिस्ट। फिर आ जाते हैं एक मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट, इसमें एक दो तरह के बास्केट मेथड यूज किया जाता है और मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट, ये भी बेसिकली एक जो है वो मोबाइल डिस्पेंसिंग यूनिट यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है, पेशेंट एक ट्रॉली होती है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील की ट्रॉली होती है, उसके अंदर सारी मेडिकेशन वगैरह रखी जाती है जिसमें कैबिनेट्स की इन्वेंट्री एंड क्वांटिटी ऑफ द सप्लाईज लेफ्ट वगैरह को देखते हैं। तो और इसका रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो एक फार्मासिस्ट होता है जिसने चेक करना होता है कि इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग मेडिकेशन को चेक करना, और इसके अलावा कितनी मेडिकेशन की जो डोजेज हैं या सप्लाई चाहिए या कितनी रह गई है, ठीक है जी। तो ये हो गया। देन कम्स द कम्प्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम, इसके अंदर दोनों चार्ज और नॉन चार्ज दोनों मेडिकेशन इंक्लूड होती हैं। इस ये है, ये बेसिकली क्या है कि अंडर द सुपरविजन ऑफ द नर्स होती हैं, ठीक है। सप्लाई, डिलीवरी एंड स्टोरेज इफ ड्रग्स आर डिस्प्यूटेड बाय द फार्मेसी पर्सनल, यूज इन जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह के अंदर ये मेथड यूज किया जाता है। मेरिट्स ये हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स एट नर्सिंग स्टेशन, नर्सिंग स्टेशन के पेशेंट को ड्रग किसी अगर इन पेशेंट को किसी हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट को अगर ड्रग चाहिए तो वो उसको रेडीली मिल जाती है। सॉरी, इन पेशेंट का मतलब ये होता है कि ऐसे पेशेंट्स जो कि जिनको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारे पास होते हैं इन पेशेंट्स का, होते हैं कि वो ऐसे पेशेंट्स जिनको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, जिनका घर पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। वो अपने आप को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं और टिल जब तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होते, दे आर हॉस्पिटलाइज, ठीक है। तो उनके लिए ये मेथड यूज किए जाते हैं स्टार्ट में, डिस्पेंसिंग टू द इन पेशेंट्स का मतलब ये, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या है कि अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स एट द नर्सिंग स्टेशन,
ठीक है जी, नो ड्रग्स रिटर्न टू द मेन फार्मेसी। ठीक है, जो भी अगर ड्रग नहीं यूज हुई पेशेंट की तो वो दोबारा जो है वो मेन जो है पे नहीं, नर्सिंग स्टेशन पे वापस की जा सकती है, रिटर्न की जा सकती है। रिडक्शन इन नंबर ऑफ फार्मेसी पर्सोनल्स रिक्वायर्ड, ओके जी, नंबर ऑफ पर्सोनल्स भी कम। डीमेरिट्स ये हैं कि इंक्रीज चांसेस ऑफ मेडिकेशन, हो सकता है कि इस तरह में जो है वो मेडिकेशन एरर्स के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है जी, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज हो सकता है हर फ्लोर के ऊपर ना हो, तो ये भी एक जो है वो ड्रॉबैक हो सकता है। इंक्रीज चांस ऑफ ड्रग डिटेरियरेशन, ठीक है, अगर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अगर पर्सोनल्स हैं, ठीक है, मल्टीपल पर्सोनल्स काम कर रहे हैं, तो उनकी वजह से जो है वो ड्रग की डिग्रेडेशन या ड्रग के खराब होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी शेयर्ड हो सकती है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह की चीजें हो सकती है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। सो बेसिकली इसका मतलब ये है, द मेडिकेशन विच आर ऑर्डर्ड पैक्ड हैंडल्ड एंड एडमिनिस्टर्ड एंड चार्ज इन मल्टीपल डोजेस, मल्टीपल्स ऑफ अ सिंगल डोज कंटेनिंग द ड्रग सप्लाई फॉर सिंगल डोज। ठीक है, एक डोज में से एक सिंगल डोज के लिए जो है मेडिकेशन जो कि ऑर्डर की जाती है, पैक की जाती है, हैंडल की जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है फॉर सिंगल डोज। इसमें बेसिकली इट इज बेसिकली क्या है, इट इज अ मेडिकेशन सप्लाई सिस्टम। ठीक है, फार्मेसी कोऑर्डिनेटेड मेथड है कंट्रोलिंग मेडिकेशन। ठीक है जी, इस सिस्टम में ये होता है कि मेडिकेशन ऑर्डर पैकेज हैंडल इन मल्टीपल्स ऑफ सिंगल डोज, सिंगल डोज यूनिट के सिंगल डोज यूनिट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, कंटेनिंग अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ ड्रग सफिशिएंट फॉर वन रेगुलर डोज, एक डोज के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो ड्रग सफिशिएंट होती है। ठीक है, जो एक डोज आप बना के देते हैं वो वन टाइम के लिए होती है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी, ये मेथड जो है वो हॉस्पिटल फार्मेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इससे क्या होता है कि मेडिकेशन एरर्स रिड्यूस हो जाएगी। पता है आप जब एक पेशेंट के साथ डील कर रहे होंगे, कहाँ मल्टीपल पेशेंट्स के साथ डील करना है, एंड इन केस कि अगर आप सिंगल पेशेंट के साथ डील करें तो ऑब्वियसली रिड्यूस हो जाएंगे मेडिकेशन एरर्स। व्हाट आर द एडवांटेजेस, ओवरऑल ड्रग कंट्रोल, ड्रग यूज मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग अच्छी की जाए, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। अगर कोई पेशेंट कोई नैरो थेरेप्यूटिक इंडेक्स ड्रग ले रहा है, लाइक डाइजॉक्सिन ले रहा है, थियोफाइलिन ले रहा है, लिथियम ले रहा है, तो उसकी क्लोज मॉनिटरिंग हो सकती है। ठीक है, चांसेस ऑफ मेडिकेशन एरर्स कम हो जाएंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन रिलेटेड एक्टिविटीज कम हो जाएगी, सिस्टम कैन यू ऑटोमेटेड, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन जो है वो प्रोफाइल पेशेंट की जो है वो अपडेट की जा सकती है। ग्रेटर फार्मासिस्ट कंट्रोल ओवर फार्मेसी वर्कलोड पैटर्न्स, ठीक है जी, प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट पेशेंट केयर प्रोवाइड की जा सकती है। ठीक है, ये तो हो गया। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि फार्मेसी लेबर कॉस्ट आर हाई, ठीक है जी, तो ये होते लेबर कॉस्ट हाई हो सकते हैं। डिलेज इन इनिशिएटिंग न्यू मेडिकेशन ऑर्डर्स, ठीक है जी, एक ही पेशेंट को डील किया जा रहा है तो न्यू पेशेंट्स को जो डील करने में डिले आ सकता है। ठीक है जी, तो ये हो सकता है। इंश्योर्स, इसके अलावा क्या है, इट इंश्योर्स इंडिविजुअल पेशेंट डिस्पेंसिंग। ठीक है, फार्मासिस्ट रिव्यू द फिजिशियन ऑर्डर्स बिफोर डिस्पेंसिंग, फार्मासिस्ट जो है इसके कुछ जो है वो ये हाँ डिसएडवांटेजेस नहीं, ये जो डिसएडवांटेजेस नहीं। ठीक है, इसके अलावा इट इंश्योर्स इंडिविजुअल पेशेंट डिस्पेंसिंग, ठीक है, ये तो कुछ इसके अलावा फार्मासिस्ट रिव्यू द फिजिशियन ऑर्डर्स बिफोर डिस्पेंसिंग, मेडिकेशन ऑर्डर्स डिस्पेंस इन यूनिट डोजेस प्रॉपरली लेबल्ड कंटेनर्स के अंदर डिस्पेंस किए जा सकते हैं एट 24 आवर मेडिकेशन इज सेंट टू द पेशेंट। ठीक है जी, ये भी हो गया। डिस्पेंसिंग इन इज रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म, ठीक है, डिस्पेंसिंग इन रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म, ठीक है, और इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ द पेशेंट प्रोफाइल, ये भी ईजिली हो सकती है। ठीक है जी, तो दिस वॉज ऑल अबाउट द यूनिट डोज डिस्पेंसिंग। इसमें कुछ मेथड, दो मेथड यूज किए जाते हैं, वो देख लेते हैं। सेंट्रल यूनिट ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें यह है कि यूनिट डोजेज डिस्पेंस की जाती हैं और ये सेंट्रल फार्मेसी में स्टोर होती है, देन फ्रॉम द फार्मेसी टू द इंडोर पेशेंट बाय द मेडिकेशन कार्ड्स। ठीक है, उसके थ्रू जो है वो ये सेंट्रली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। डिसेंट्रलाइज में यह है कि ये फ्लोर्स के अकॉर्डिंग सैटेलाइट फार्मेसीज जो बनी होती हैं हर फ्लोर के ऊपर, वहाँ से ये ऑपरेट किया जाता है मेथड। ठीक है, पेशेंट प्रोफाइल होती है, ठीक है, इसका प्रोसीजर ये होता है, एक पेशेंट की प्रोफाइल बनी होती है जैसे पेशेंट का सारा बायोडाटा वगैरह होता है। ठीक है, तो पेशेंट प्रोफाइल लेकी जाती है, फिर उसके बाद डायरेक्टली वो पेशेंट प्रोफाइल फार्मासिस्ट को सेंड की जाती है, वो मेडिकेशन ऑर्डर जो भी प्रिस्क्रिप्शन होती है उसको चेक करता है, और देन नर्स जो है वो एडमिनिस्टर करती रोज और फिर उसका रिकॉर्ड बनाती है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ डिसेंट्रलाइज सिस्टम। So this was all about the dispensing to inpatients. So thank you so much for listening to the lecture, and do not forget to like, subscribe and share my channel. So मैं Instagram का लिंक भी डाल दूंगी, ठीक है, और आप YouTube पे भी कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर, अगर आपको कोई और टॉपिक डिस्कस करना है। So thank you so much for listening.